नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। मैंने आप लोगों को बोला था कि इंपॉर्टेंट केस स्टडीज सी, सबसे बड़ा अपने को जो पेन पॉइंट है एससीएमपी में वो है कि इतनी सारी केस स्टडीज है। कुछ केस स्टडीज मॉड्यूल में है, थोड़ी केस स्टडीज आपके आईसीआई के जो केस स्टडी डाइजेस्ट है उसमें है, उसमें स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट वाली केस स्टडीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जिसमें सब कवरेज हो जाए, बिकॉज ऑलमोस्ट 75 to 80 से भी ज्यादा केस स्टडीज इतनी सारी करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सो मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं वो वाली केस स्टडीज विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका सारा कवरेज भी हो जाएगा एंड इसके बाद आप लोग को और कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक आपको सिक्योरिटी आ जाएगा कि हाँ भाई जितना किया है अच्छा किया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर क्विकली नाउ गोइंग टू डिस्कस। डेफिनेटली यूज इट फॉर योर बेनिफिट, स्पेशली एग्जाम टाइम पे ये बहुत ज्यादा आप लोग को काम आने वाला है, ठीक है। और अभी भी जब आप लोग रिविजन कर रहे हो तो इतने वाले सारे केस स्टडीज बराबर से करके जाओगे, आई अश्योर यू कवरेज वाइज सब कुछ हो जाएगा। सर तो ये केस स्टडीज हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर ले? तो डेफिनेटली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ ये वाला पीडीएफ, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो। प्लस आप लोग के लिए गुड न्यूज है, जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था पूना में उसका जो फर्स्ट हाफ है वो मेरी टीम रिट्रीव कर पाई है एंड वो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। तो संडे मॉर्निंग 10 AM to 2 PM लाइव चलेगा वो, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच आउट दैट एज वेल। Now, what are these questions? So, SBAQ, skill based assessment question है। वहां से हम लोग ने questions pick up किया है मैंने case scenarios में, case study में से and ICAI के module में से। अब क्या सर ये सारे questions optimized में भी है? The answer is yes। So, आप लोग optimized को भी refer कर सकते हो and वहां से भी ये questions कर सकते हो, कोई problem नहीं है। So, chapter wise अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे देखो transfer pricing के 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो मुझे लग रहा है आ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग पॉलिसी का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो वो मैंने पिकअप कर लिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में, ये ईएमए का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना आरटीपी का भी क्वेश्चन है, सो इसलिए मुझे लग रहा है कि आ सकता है, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। देन मॉडर्न बिजनेस में से एक थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन का एक वेरी क्लासिक क्वेश्चन है अजंता लिमिटेड का। बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक इंस्टीट्यूट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सो आई एम सीरियसली एक्सपेक्टिंग कि बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना चाहिए आइडियली। फिर बाद में केस सिनारियोज है, तो अगर मैं केस सिनारियोज की बात करूं तो ये दो क्वेश्चन है। कैन बैन 100% एक्सपेक्टेड है ये बार एग्जाम में, सो प्लीज कैन बैन से रिलेटेड जो पार्ट है वो प्रॉपरली कर लेना। ये वाला क्वेश्चन का मैं शायद वीडियो भी डालूंगा अलग से, ये हम लोग ने हमारे इंडिया टूर में लाइव वाले बैच में किया हुआ है, तो या तो वो वीडियो डाल दूंगा वो वाला रिकॉर्डेड, या अलग से मैं रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए दे दूंगा, बिकॉज आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में ट्रिपल बॉटम लाइन भी ड्यू है, सो इट कैन बी आस्क्ड। चैप्टर नंबर 1 से आप लोग को पोटर्स 5 फोर्सेस एक्सपेक्टेड है, सो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें से पोर्टर्स 5 फोर्सेस वाला एक क्वेश्चन है वो आ सकता है, सो यू कैन डू दैट। सर ये जो पीडीएफ है अगर हमारे पास ऑप्टिमाइज नहीं है देन इन दैट केस आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आईसीआई के वेबसाइट से, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। सेम वे मॉड्यूल में अराउंड 15 से ज्यादा क्वेश्चन है, बट अपने को खाली ये 4 क्वेश्चन करने हैं जो ये बार एक्सपेक्टेड है, या तो कैजेन के ऊपर आ सकता है, टीपीएम के ऊपर, डिसीजन मेकिंग में एथिकल नॉन एथिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है गाइस, सो प्लीज डिसीजन मेकिंग में एथिकल नॉन एथिकल के 2-3 केस स्टडीज है, उसमें से कोई भी एक दो केस स्टडीज पिकअप करके कर लो, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। एंड लास्ट में अगेन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में बैलेंस स्कोर कार्ड। सर केस स्टडी को क्या फॉर्मेट में लिखना है तो वो मैंने आप लोग को कल बताया था, वापस से बता देता हूं। पहले आप लोग को इशू / इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है बाय डिफॉल्ट, एक बार ये हो गया उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो केस है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है जितना नॉलेज है भर दो उसको, फिर बाद में कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद केस, सो ये अगेन आप लोग को चाहिए था, सो कॉन्सेप्ट कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद केस स्टडी एंड लास्ट बट
नॉट द लीस्ट इज योर रिकमेंडेशन गाइस, रिकमेंडेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रिकमेंडेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिसएडवांटेजेस एडवांटेज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब करना लिखना इस फॉर्मेट में बहुत जरूरी है इफ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन केस स्टडीज. ठीक है, सो केस स्टडीज जो भी अपना पेन पॉइंट था प्लीज उसको हंस के अपन लोग मैनेज करेंगे, थ्योरीज के ऊपर एकदम अच्छा होल्ड रखेंगे. ये वाली जितनी मैंने बताई है उसको सिस्टमैटिकली कर लेंगे. मैंने हार्डली कुछ अराउंड 15 टोटल क्वेश्चंस लिए हैं, तो आई थिंक इतना अपन लोग मैनेज कर सकते हैं डेफिनेटली. सो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट. सो ऑन दैट नोट, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, और ऐसा आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें लाता रहूंगा. स्टे सब्सक्राइब एंड वो प्लीज बेल आइकन दबा लो सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड यू आर ऑन ट्रैक टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन SCMP एंड अपना ग्रुप टू जिस सब्जेक्ट की वजह से अटकता है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर अपने को अच्छा होल्ड आ जाए एंड वी आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में. कल 10 बजे मेरा एक वीडियो आ रहा है लाइव, जो पुणे में मैंने सेशन लिया था उसका रिकॉर्डिंग है, वो मैं लाइव डाल रहा हूँ. उसके बाद जो मुझे लग रहा है ABC एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ चैप्टर, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द प्रेजेंट करने वाला हूँ. टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.